दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव के मंदिर में उनकी आधी परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? इसके पीछे का क्या कारण है? इसका क्या रहस्य है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। भगवान शंकर की आधी परिक्रमा ही क्यों लगाई जाती है? भगवान नारायण की चार परिक्रमाएं होती हैं, परंतु शंकर जी की कितनी परिक्रमा होती है? कितनी? आधी। शंकर जी की आधी परिक्रमा ही होती है। कभी शंकर जी की पूरी परिक्रमा नहीं देखी होगी आपने। शंकर जी के मंदिरों में पूरी परिक्रमा नहीं लगाते हैं, आधी ही परिक्रमा लगाते हैं। आपको ये बात पता है या नहीं? नहीं तो हम आपको बताएंगे। ये बताओ कि ये परिक्रमा आधी ही क्यों लगाई जाती है? इसका कारण क्या है? भगवान शंकर का एक बहुत ही बड़ा भक्त था। वो रोज भगवान शंकर की परिक्रमा करता और उन्हीं के सामने बैठा रहता। लेकिन वो भक्त ऐसा था कि शंकर जी की पूजा तो करता और माता पार्वती की पूजा ना करता। इससे भगवान शंकर बड़े दुखी रहने लगे। अब देखो, कोई भी हो, आप मेरा सम्मान करो और मेरी पत्नी का अपमान करो तो कोई भी व्यक्ति कैसा प्रसन्न होगा? भाई, सम्मान फिर दोनों का ही करना चाहिए, तब फिर आप ठीक रह सकते हैं। अब भगत है और वो कह रहा है कि हम शंकर जी की पूजा करेंगे और माता पार्वती की नहीं करेंगे। अब शंकर जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर साथ साथ बैठे रहे, तो ये भक्त क्या करे? जब शंकर जी की परिक्रमा लगाए तो शंकर पार्वती के बीच से निकल जाए। तो एक दिन भगवान शंकर और पार्वती दोनों आपस में चिपक कर बैठ गए। तो इस भक्त ने क्या किया, दोनों को पकड़ा और अलग कर दिया और बीच से निकल गया, परिक्रमा लगाई और वहाँ से चला गया। शंकर जी बोले कि ये तो हमें रोज अलग कर देता है। तब एक दिन शंकर जी माता पार्वती से और चिपक कर बैठ गए बिल्कुल कस के, और बोले अब लगा परिक्रमा। शंकर जी को लग रहा था कि तुम दोनों की ही परिक्रमा लगा लो, तो शंकर जी बैठ गए माता पार्वती का हाथ पकड़ कर। तो उस भक्त ने क्या किया, वो भी मायावी था, उसने एक चींटी का रूप धारण किया और कहीं से जगह मिली तो चींटी बनकर वहाँ से निकल गया और शंकर जी की आधी परिक्रमा लगा ली। शंकर जी बोले ये तो बड़ा चतुर निकला, क्योंकि वो शंकर जी का ही तो भक्त था और रूप भी बदल सकता था। शंकर जी बोले कि बच्चू, अब तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। तब शंकर जी ने क्या किया, अर्ध नागेश्वर बन गए। तभी से शंकर जी अर्ध नागेश्वर कहलाए। आधे अंग में शंकर जी और आधे अंग में पार्वती जी, और उस सिंहासन में अब दो व्यक्ति नजर ही नहीं आए, अब केवल एक नजर आए, आधे में शंकर जी और आधे में पार्वती जी। अब तो बीच से एक आंख पार्वती जी और एक आंख शंकर जी, एक तरफ की नाक का छेद पार्वती जी का और एक तरफ का शंकर जी का, पूरा का पूरा शरीर आधा आधा हो गया। अब लगा परिक्रमा, अब बता कहाँ से निकलेगा। तब उसने शंकर जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, ये क्या किया आपने? शंकर जी ने कहा कि बेटा, जिसे तुम दो समझ रहे थे, हम दो नहीं, हम दिखने में तो दो हैं, पर हमारा अस्तित्व शंकर पार्वती जी एक ही हैं। दिखने में दो हैं राधा और कृष्ण, लेकिन एक ही हैं। दिखने में दो हैं सीता और राम, पर ये तत्व एक ही है। तब फिर उस भगत ने भी जिद पकड़ ली और शंकर जी की आधी ही परिक्रमा लगाकर लौट गया। तो शंकर जी आधे हैं और आधे में पार्वती जी हैं, और इसीलिए भगवान शंकर की आधी परिक्रमा लगाई जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान शंकर के मंदिरों में उनकी आधी परिक्रमा क्यों लगाई जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।